लेबनान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है। हिजबुल्ला ने 6 एंटी टैंक मिसाइलें दागी हैं। इसराइल के जरीफ शहर में मिसाइल से हमला किया गया है। तो देखिए किस तरह से इसराइल के जरीफ शहर में मिसाइल से हमला किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी एक्सप्लोजिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हिजबुल्ला पर इसराइल का जवाबी हमला भी देखने को मिला है। हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसराइल का अटैक हेलीकॉप्टर से हुआ है, हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। इसके बाद तीसरी एक्सप्लोजिव बड़ी खबर आपको बताएं, हमले के साथ साथ हिजबुल्ला पर नजर रखी जा रही है। दक्षिणी लेबनान की निगरानी कर रहा है इसराइल, जासूसी विमान से हिजबुल्ला पर नजर रखी जा रही है। 78 साल पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम दागा गया। इस न्यूक्लियर अटैक के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी लील ली। दशकों तक जापान के ये दो शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। लेकिन इसका जिक्र आज हम आपके सामने क्यों कर रहे हैं, तो आइए आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के वॉर से ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, और वो ये है कि किसी भी वक्त गाजा पट्टी हिरोशिमा बन सकता है, बारूदी बवंडर से दहल सकता है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि गाजा पर परमाणु विहीन ब्लास्ट होगा, यानी एटमी बम का नहीं बल्कि गदर मदर ऑफ एटम बॉम्ब दागा जाएगा। आखिर क्या है बेंजामिन का थर्मोबारिक मिशन जिससे होगा गाजा का दहन, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 13 दिनों से गाजा में जो बारूदी कोहराम मचा है वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर है। गाजा का असली विध्वंस तो अभी बाकी है, गाजा की असली तबाही तो बाकी है। दुनिया के नक्शे से गाजा पट्टी का वजूद मिटना अभी बाकी है। क्योंकि रूसी न्यूज एजेंसी तास ने एक अमेरिकी पत्रकार के रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है। गाजा विनाश से जुड़ा दावा नंबर 1, गाजा पट्टी में 78 साल पहले जैसी तबाही मचेगी। गाजा विनाश से जुड़ा दावा नंबर 2, गाजा पट्टी में हिरोशिमा जैसा प्रचंड धमाका होगा। गाजा विनाश से जुड़ा दावा नंबर 3, गाजा पर थर्मोबैरिक एरियल बम का इस्तेमाल होगा। मतलब ये कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी पर भले ही एटमी प्रहार ना हो मगर तबाही, भयावह मंजर और बारूदी बवंडर ठीक परमाणु हमले जैसा होगा। और जानते हैं, दावा यह भी किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के संपूर्ण विनाश का ब्लूप्रिंट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तैयार भी कर लिया है। वो ये कि गाजा पर MOAB से हमला हो सकता है। MOAB मतलब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जो कि अमेरिका का थर्मोबैरिक बम है। यह एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं, और इसराइल हमास जंग के बीच बेंजामिन अगर इस प्रलयकारी हथियार को एक्टिव करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल गाजा पर करते हैं तो यकीन मानिए MOAB का एक बार गाजा पट्टी का वजूद खत्म कर सकता है। इसके इस्तेमाल से धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई देगा।
क्योंकि अमेरिका का MOAB एक थर्मोबैरिक ग्रेविटी बम है जिसका नाम है GBU-43B। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो करीब 15 किलो टन का था। और आपको बता दें कि ताकत और विनाश के मामले में अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब GBU-43B कई गुना ज्यादा है। जी हाँ, GBU-43 बम का कुल वजन 9800 किलो तक है। ये विनाशक 30 फीट लंबा और इसका व्यास 41 इंच है। GBU-43B की कुल ताकत 11 मेगाटन तक है। साल 2003 में अमेरिका के बारूदी जखीरे में GBU-43 बम शामिल हुआ। इस बम की करीब 15 यूनिट तैयार की गई। दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने MOAB की खेप तेल अवीव भेजी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही 11 मेगाटन ताकत वाले GBU-43 बम को गाजा पर दागा जा सकता है। दरअसल बाइडेन का इसराइल दौरा खत्म होने के साथ ही गाजा पट्टी पर IDF की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और किसी भी वक्त इसराइल गाजा पर GBU-43B एरियल बम दाग सकता है ताकि गाजा में अंडरग्राउंड बेलों में छिपे हमास के लड़ाकों का खात्मा हो जाए और गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिट जाए। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली PM नेतन्याहू ने गाजा को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है और दूसरा प्लान है गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी।